हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीसी इंडियन। आज मैं 8 अगस्त 2020 का पूरा करंट अफेयर लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर जीनस ऑर्डिसिया की एक नई प्रजाति को देखा गया? तो ये पाई गई है पश्चिमी घाट पर यह प्रजाति पाई गया है। एक पेड़ की प्रजाति है जो 6 मीटर तक लंबी होती है, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? 6 मीटर। इसकी ऊंचाई होती है 6 मीटर तक। और इसका नाम वैज्ञानिक एम एस रामास्वामी के नाम पर रखा गया। जीनस ऑर्डिसिया रामास्वामी इसका नाम रखा गया है। और एक पश्चिमी घाट पर पाई गई है। वो एक पेड़ की एक प्रजाति है जो 6 मीटर तक लंबी होती है। चलिए देख लेते आज का अगला क्वेश्चन। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये डब्ल्यू डी एफ स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर इन दोनों को नियुक्त किया है। तो चलिए देख लेते आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के तहत एक मेगा हैकथॉन का आयोजन किया गया था। हैकथॉन को किस प्लेटफॉर्म पर देखा गया? तो ये माई जीओवी इंडिया और डिजिटल इंडिया, ये दोनों प्लेटफॉर्म पर हैकथॉन का आयोजन इन दोनों को देखा जा सकता है। और ये 7 अगस्त से शुरू होगा, 7 अगस्त से शुरू होगा। और इसको 4 जुलाई को पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। चलिए देख लिया था आज का अगला क्वेश्चन। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अगले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया 7 अगस्त को। सीएजी की नियुक्ति 6 वर्ष तक होती है और 65 वर्ष की आयु तक। चलिए देख लेते आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 7 अगस्त को हमारा दिवस मनाया गया है। वह पहली बार जुलाई 2015 में मनाया गया था। चलिए देख लेते आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या किसान रेल शुरू हुई, वह किन राज्यों के बीच अपनी सामग्री पहुंचाएगी? महाराष्ट्र और बिहार। वह एक फलों और सब्जियों की ट्रेन है जो फलों को और सब्जियों को ले जाएगी महाराष्ट्र और बिहार। यह ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर जिले के बीच चलाई जाएगी। तो चलिए देख लेते आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में श्यामल चक्रवर्ती की मृत्यु कोलकाता में कोरोना संक्रमण से हुई, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? वह राजनीति से संबंधित थे। वो पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री हैं। चलिए देख लेते आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन SIH 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता? तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपना स्मार्ट हैकथॉन इंडिया हैकथॉन SIH 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता है। SIH का आयोजन 1 अगस्त से 3 अगस्त तक था। चलिए देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन स्वतंत्रता दिवस समारोह पर अपनी तरह का पहला ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह कार्यक्रम का आयोजन करेगा? तो ये करेगा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यह कार्यक्रम करेगा, और यह कार्यक्रम 7 अगस्त से 21 अगस्त तक यह कार्यक्रम चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, मणि बलात्कार और पॉक्सो संबंधित मामलों जैसे निपटाने के लिए किस राज्य में 2 फास्ट ट्रैक अदालतों का उद्घाटन हुआ? तो इन अदालतों का उद्घाटन मणिपुर में हुआ। इन अदालतों का उद्घाटन कहाँ हुआ? मणिपुर के राजधानी क्षेत्र उड़ीपोक। मणिपुर के राजधानी के 2 क्षेत्र हैं जो है, उड़ी, पहला है उड़ीपोक और दूसरा है लम पेलपट। दूसरा है, इसका उद्घाटन एन वीरेंद्र सिंह ने किया। चलिए देख लेते आज का अगला क्वेश्चन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स एंड यूआर के बीच साझेदारी के रूप में एक सहयोगी प्राइस ऑफ पंजाब कार्यक्रम लॉन्च किया? तो ये क्या है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। चलिए देख लेते आज का अगला क्वेश्चन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, कौन अपने औपनिवेशित युग की खलासी प्रणाली को समाप्त करने के लिए तैयार है? रेलवे, यानी कि रेलवे में अब खलासी पर कोई भी वैकेंसी नहीं निकलेगी, कोई भी जगह नहीं निकलेगी, यानी कि रेलवे ने इस पद को समाप्त कर दिया है। रेलवे ने अब खलासी पद को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। चलिए देख लेते आज का हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने अपनी ऑनलाइन सामग्री का विस्तार करने के लिए महिला केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म पॉक्सो का अधिग्रहण किया? तो क्या है? माई ग्लैम ने इसका अधिग्रहण किया। पॉक्सो, अब पॉक्सो का संस्थापक और सीईओ है प्रियंका गिल। पॉक्सो के संस्थापक और सीईओ कौन है? प्रियंका गिलेस के संस्थापक हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।